हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था ब्लड यूनिट चल रही थी उसी कॉन्टीन्यूएशन में न्यू चैप्टर है हीमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म सो इस वीडियो को भी हम टू पार्ट्स में ही स्टडी करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड हीमोग्लोबिन एच बी इज़ दी आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर of a red blood cell, it is a chromoprotein forming फाइव परसेंट ऑफ ड्राई वेट ऑफ आर बी सी एंड थर्टी टू थर्टी फोर परसेंट ऑफ़ वेट वेट सो यहाँ पर हम बात करें हीमोग्लोबिन की जैसे कि हमको पता ही है कि हीमोग्लोबिन जो है वो आर बी सी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो so, इन्होंने बोला है कि ये एक क्रोमोप्रोटीन है यानी कि इसके अंदर कलर होता है और ये है क्या प्रोटीन और ये आर का काफ़ी परसेंटेज ऑफ वेट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है फंक्शन ऑफ़ हीमोग्लोबिन इज़ टू कैरी द रेस्परेट्री गैसेस दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट आल्सो एक्ट्स एज अ बफर मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिक्सटी एट थाउजेंड तो इसमें क्या बोला है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके फंक्शन के बारे में बोला है कि ये तो ऑक्सीजन uh, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बफ़र एक्शन भी इसका होता है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है ये बॉडी में इसके अलावा इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो है सिक्सटी एट थाउजेंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट सो एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज़ फोर्टीन टू सिक्सटीन ग्राम पर डेसी अगर हम एक डेसी वो लेते हैं ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर हमें फोर्टीन से सिक्सटीन ग्राम हीमोग्लोबिन मिल जाएगा ओके okay? ये तो हमें एवरेज वैल्यू पता होनी चाहिए हावेवर द वैल्यू वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल ये भी है वेरिएशन आता है जैसे कि एट बर्थ जो हीमोग्लोबिन है उसका जो रेंज uh, रहती है वो एट ट्वेंटी फाइव ग्राम पर डेसी लीटर थर्ड मंथ तक आते आते ट्वेंटी ग्राम पर डेसी लीटर वन ईयर तक सेवनटीन ग्राम पर डेसी लीटर और प्यूबिटी के बाद से फोर्टीन टू सिक्सटीन ग्राम पर डेसी लीटर जो है हीमोग्लोबिन रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ हीमोग्लोबिन कंटेंट इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ़ आर ये भी पता है कि भाई एट द टाइम ऑफ बर्थ आर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है तो इसीलिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी बॉडी में हाई रहता है जेंडर वाइज भी इसमें डिफरेंस रहता है जैसे कि जो मेल्स हैं उनके अंदर फिफ्टीन ग्राम पर डे सी है और जो फीमेल्स हैं उसमें फोटीन पॉइंट फाइव ग्राम पर डे सी जो है ये एवरेज माना जाता है कि ये नॉर्मल है फीमेल्स में इसलिए थोड़ा कम रहता है क्योंकि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लड का लॉस हो जाता है इसलिए एवरेज वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है मेल्स के कंपेरिजन में अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के फंक्शंस uh, की ठीक है so, सो सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस सो मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स Uh, so transport transport of oxygen when oxygen binds with hemoglobin a physical process called oxygenation occurs resulting in the formation of oxyhemoglobin the iron remains in ferrous state in this compound oxyhemoglobin is an unstable compound and the combination is reversible that is when more oxygen is available it combines with hemoglobin and whenever oxygen is required hemoglobin can release oxygen readily वेन ऑक्सीजन इज रिलीज फ्राम ऑक्सी हीमोग्लोबिन इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और फेरोहीमोग्लोबिन तो यहाँ पे क्या बात हो रही है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बताया हुआ कि कैसे होता है एक्चुअली में हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया है ऑक्सीजनेशन ठीक है लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ तभी बाइंड होगा जब उस जगह पे जहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में जब अमाउंट हो जाती है तभी ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और जैसे ही उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे भी हीमोग्लोबिन है वहाँ पे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम मिलती है परसेंटेज कुछ सर्टेन परसेंटेज कम मिलती है तो फटाफट हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है तो ये एक जो कंपाउंड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है ये ऑक्सीजन uh, की परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन uh, जो कंपाउंड है वो रहेगा कि नहीं ओके okay. जैसे कि लंग्स के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है लेकिन जैसे ही जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड टिश्यूज़ तक पहुँचेगा वहाँ पे जो परसेंटेज ऑक्सीजन का वो बहुत कम होता है इसीलिए ये अनस्टेबल कंपाउंड फटाफट टूट जाता टूट जाता है और ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाती है अब जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन रह गया ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद तो उसको कहते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या फिर फेरो हीमोग्लोबिन ओके ये होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन कार्ब हीमोग्लोबिन इज फॉर्म इट इज ऑल्सो एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज फ्रॉम दिस कंपाउंड तो ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड विच इज़ नोन एज़ कार्ब हीमोग्लोबिन वो बनता है द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फ़ॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्वेंटी टाइम्स मोर देन दैट फॉर द ऑक्सीजन लेकिन अगर हम कंपेयर करें हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के, के साथ ज़्यादा बॉन्ड होना पसंद करेगा बीस गुना ज़्यादा एफिनिटी रहती है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अब है बफर एक्शन सो आ, ये जो बाइंडिंग वाली चीज़ है ये हम आ, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बफर एक्शन जो है हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस जो कि चैप्टर फाइव में पढ़ा था पढ़ेंगे मतलब पीछे जाएंगे जब हम सेल वाला करेंगे ना तो उसके अंदर बताया हुआ है नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन सो हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ओके इट्स अ प्रोटीन ग्लोबिन पोर्शन जो है वो इट्स सेल्फ एक प्रोटीन होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कंबाइंड विद एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट द प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबिन एंड द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज हीम हीम ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द माओग्लोबिन विच इज ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल्स एंड न्यूरोग्लोबिन विच इज ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन सो so, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो हीमोग्लोबिन का जो है फॉर्मेशन दो चीज़ों से होता है हीम प्लस ग्लोबिन जो हीम पा, आ, पार्ट होता है उसमें आयरन होता है जो ग्लोबिन पार्शन पार्ट होता है पोर्शन होता है उसके अंदर होता है प्रोटीन आ, ये जो हीम पोर्शन होता है इसमें आयरन होता है एंड इसके अंदर ही कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होने की और इससे सिमिलर कंपोनेंट जो है बॉडी में हमें मसल्स के अंदर भी मिलता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं और ब्रेन uh, में भी मिलता है जिसे न्यूरोग्लोबिन कहते हैं आयरन कैसे होता है इसमें नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म यानी कि एफ ई टू पॉजिटिव ठीक है इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट uh, होता है इट इज़ इन अनस्टेबल और लूज फॉर्म इन सम एबनॉर्मल कंडीशंस द आयरन इज कन्वर्टेड इन टू फेरिक स्टेट विच इज़ अ स्टेबल फॉर्म तो यूजअली uh, जब ये हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर जो आयरन पोर्शन है आयरन पार्ट है वो फेरेस्ट फॉर्म में होता है फॉर्म एक अनस्टेबल फॉर्म है और अगर अगर ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक स्टेबल फॉर्म है बट वो एब नॉर्मल में ही ऐसा होता है देन बात करते हैं पॉर्फाइरिन ये तो था आयरन आयरन के बाद है पॉफायरिन द पिगमेंट पार्ट ऑफ द हीम इज कॉल्ड द पॉफायरिन तो हीम के अंदर भी क्या है दो पोर्शन होते हैं एक होता है आयरन पार्ट और एक होता है पोरफाइरिन पार्ट परफायरिन ही आ, उस हीमोग्लोबिन को कलर देता है पिगमेंट देता है सो so, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इट इज़ फॉर्म बाय फोर पायरोल रिंग्स टेट्रा पायरोल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ द पायरोल रिंग्स आर अटैच टू वन अदर बाई मिथेन ब्रिजेस द आयरन इज अटैच टू एन ऑफ इच पायरोल रिंग एंड एन ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल सो so, इसके अंदर क्या बोला हुआ है पॉफायरिन की अगर हम बात करें तो एक जो हीम पोर्शन है उसमें जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक आयरन पोर्शन होता है और एक पोरफायरिन पोर्शन होता है पोरफायरिन इज़ द कलर पार्ट पिगमेंट देता है ये जो होता है ना पोरफायरिन इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें फोर पायरोल रिंग्स होती हैं ओके फोर पायरोल रिंग्स जो हैं उसका नाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे दे रखा है तो ये जो रिंग्स होते हैं ये आपस में जुड़ते कैसे हैं मिथेन ब्रिज से सी एच फोर विच इज मिथेन उससे जुड़ते हैं और आयरन जो है वो अटैच uh, होता है टू द एन ऑफ ईच पायरोल रिंग एन मतलब नाइट्रोजन जो होता है हर एक पायरोल रिंग के अंदर उससे अटैच होता है आके आयरन और ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर भी एक नाइट्रोजन होता है उससे भी ये आयरन जुड़ा होता है तो इस तरीके से ये आयरन जो है एक ब्रिज की तरह जुड़ा हुआ होता है ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन इज द प्रोटीन uh, पोर्शन इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन आती हैं अमंग द फोर पॉलीपेप्टाइड चेन टू आर चेन्स एंड टू आर अल्फ़ा चेन्स ओके सो इसके बारे में दिया है. दो बीटा चेन होती हैं दो अल्फ़ा चेन होती हैं नेक्स्ट हम uh, बात करते हैं इसके टाइप्स की तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है तो हीमोग्लोबिन इज ऑफ टू टाइप्स एक होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसे एच हम कह सकते हैं एक होता है फ़ीटल हीमोग्लोबिन जिसे एच कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन बाय हीमोग्लोबिन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त uh, मतलब ड्यूरिंग द फीटल लाइफ उसके अंदर होता है फीटल हीमोग्लोबिन और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके अंदर फीटल से अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है इट इज कम्प्लीटेड एट अबाउट टेंथ टू ट्वेल्थ वीक आफ्टर बर्थ तो पैदा होने के दस से बारह हफ्ते के बाद में क्या होता है जो उसका फीटल हीमोग्लोबिन है वो चेंज होके सारा रिप्लेस होके अडल्ट हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट हो जाता है बोथ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ठीक है अब दोनों में क्या डिफरेंस है जो ये हीमोगलोबिन हमने अभी डिस्कस किया अडल्टमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन क्या फ़र्क है सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस की सो इन अडल्ट हीमोग्लोबिन द ग्लोबिन चेन्स कंटेन टू अल्फ़ा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स इन फ़ीटल हीमोग्लोबिन देर आर टू अल्फ़ा चेन्स एंड टू गामा चेन्स इंस्टेड ऑफ बीटा चेन्स ठीक है तो जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फ़ा uh, चेन होती है दो बीटा चेन होती है लेकिन जो फ़ीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो अल्फ़ा चेन होएंगी और दो गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं अगर हम बात करें इनके फंक्शनल डिफरेंस की तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है उसकी हैज अ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ फीटल ब्लड इज शिफ्टेड टू लेफ्ट सो अगर हम बात करें टुवर्ड्स द एफिनिटी जो उसका मेन काम होता है ऑक्सीजन वगैरह लेके आना तो जो फ़ीटल uh, हीमोग्लोबिन होता है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ एज कम्पेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन खींचने की ऑक्सीजन uh, के साथ रिएक्ट करने की पावर इसकी ज़्यादा होती है फीटल हीमोग्लोबिन की क्योंकि फ़ीटल uh, लाइफ में ज़रूरत भी ज़्यादा होती है देन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन से कौन से टाइप्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स हैं इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं सो एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन वेरियंट्स आर द पैथोलॉजिक म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन दिज वेरियंस आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ द ग्लोबिन चेन्स मोस्ट ऑफ द डू नॉट प्रोड्यूस एनी सीरियस प्रॉब्लम ओकेजनली फ्यू म्यूटेशं रिजल्ट इन सम डिसऑर्डर्स तो क्या होता है कि हम एक हीमोग्लोबिन को तब एबनॉर्मल बोलेंगे जब उसकी जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत म्यूटेशन आ जाएगा ड्यू टू जीन्स जिन जीन्स की वजह से ये चेंज बनती हैं वो जीन कोड के अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट आने की वजह से नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेंज जब बनने लगते हैं तो उसको हम डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहते हैं सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फर्स्ट होती है हीमोग्लोबिनोपैथीस और दूसरी है हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हीमोग्लोबिनोपैथिस हीमोग्लोबिनोपैथी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द एबनॉमल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन तो इसमें हीमोग्लोबिन में कहाँ है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कोई डिफेक्ट आया है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफेक्ट क्यों आया क्योंकि जीन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये चेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स डिफेक्टिव बनी है सो so, इसके अंदर आती है फर्स्ट है हीमोग्लोबिन एस इट इज़ फाउंड इन सिकल सेल अनिमिया इट इज़ द अल्फा चेन्स आर नॉर्मल एंड बीटा चेन्स आर एबनॉर्मल सो so, uh, पहला जो हीमोग्लोबिनोपैथी है वो है हीमोग्लोबिन एस जिसके जो कि सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है इसमें अल्फ़ा चेंस तो नॉर्मल मिलती हैं बट जो बीटा चेंज है वो यहाँ पे एबनॉर्मल रहती हैं फिर आता है हीमोग्लोबिन सी द बीटा चेंज आर एबनॉर्मल इट इज़ फाउंड इन पीपल विद हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ विच इज़ करेक्टाइज बाय माइल्ड हीमोलाइटिक अनिमिया एंड स्पलेनोमगैली ओके सो इसमें बीटा चें जो है वो एबनॉर्मल मिलती हैं देन uh, उसके अलावा इसमें स्प्लेनोमेगेली uh, भी मिलती है और माइल्ड हीमोलाइटिक अनीमिया हीमोग्लोबिन ई जो होता है हेयर ऑल्सो द बीटा चेंस आर एबनॉर्मल इट इज़ प्रेजेंट इन पीपल विद हीमोग्लोबिन ई डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो करेक्टराइज बाय माइल्ड हीमोलाइटिक अनीमिया एंड स्प्लेनोमेगेली हीमोग्लोबिन एम इट इज़ द एबनॉमल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिथेमोग्लोबिन It occurs due to mutation of the genes of both in alpha and beta chains, resulting in abnormal replacement of amino acids. It is present in babies affected by hemoglobin M. डिजीज़ और ब्लू बेबी सिंड्रोम इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज़ करेक्टराइज बाय मिथेमोग्लोबीनीमिया तो इसमें क्या होता है कि जब अल्फ़ा और बीटा चेन्स दोनों ही डिफेक्टिव हो जाएं दोनों ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स डिफेक्टिव हो जाएं ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस तो उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन एम इसका अदर नेम इस डिजीज़ का जिसके अंदर ऐसी हीमोग्लोबिन मिलते हैं वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम इसमें मिथेमोग्लोबीनीमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है दैन हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स सो इन थैलेसीमिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर डिक्रीज एब्सेंट और एबनॉर्मल इन अल्फा थैलेसीमिया द अल्फा चेंज आर डिक्रीज एबसेंट और एबनॉर्मल एंड इन द बीटा थैलेसीमिया द बीटा चेंज आर डिक्रीज एबसेंट और एबनॉर्मल सम ऑफ़ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फाउंड इन थैलेसीमिया आर हीमोग्लोबिन जी एच आई बार्ट्स, केनिया, लिपोर एंड कॉन्स्टेंट स्प्रिंग तो अगर हम बात करें थैलेसीमिया की तो थैलेसीमिया एक अलग एक डिज़ीज़ होती है बड़ी जिसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में uh, वही चेंज से रिलेटेड डिसऑर्डर है पॉलीपेप्टाइड चेंस में डिफेक्ट है बट आई थिंक ये जेनेटिक रिलेटेड नहीं है ओके okay? जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा तो इसमें क्या है यहाँ पे जो भी डिसऑर्डर्स थे वो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे और जीन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेंज जो थी वो डिफेक्टिव बनी बट थैलेसीमिया जो है ये डिफरेंट टाइप का है इसमें डिफरेंट हीमोग्लोबिन्स जो हैं वो चेंज uh, में कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिलता है या तो uh, जो अल्फा बीटा चेंज हैं वो डिक्रीज uh, हो सकती हैं साइज़ में एबसेंट हो सकती हैं या एबनॉर्मल मिल सकती हैं ठीक है एंड uh, इसके अंदर अलग टाइप के डिफरेंट हीमोगलोबिन आ जाते हैं जी एच आई बार्ट्स केनिया ये इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे सो एब्नॉर्मल हीमोगबिन डेरीवेटिव सो हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स इज रेफर टू अ ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एंड मेजर द परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव हीमोग्लोबिन इज द ओनली कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विदाउट विच टिश्यू डेथ अकर्स विद इन फ्यू मिनट्स सो अभी तक तो हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन के अंदर पैंतीस आ सकती हैं हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल टाइप का कौन सा कौन सा हो सकता है थैलेसीमिया में क्या चेंजेस मिलते हैं ठीक है अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स के बारे में और इसके बाद इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डिस्कस करेंगे देन मिथ ओके आज की जो वीडियो होगी उसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे सो so, Hemoglobin is the only carrier for transport of oxygen without which tissue death occurs within few minutes. When hemoglobin is altered its oxygen carrying capacity is decreased resulting in lack of oxygen so it is important to know about the causes and the effects of abnormal hemoglobin derivative. सो so, uh, कहते हैं कि एक टेस्ट होता है ठीक है हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव, ये एक ऐसे टाइप का एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि कितने टाइप के कितनी परसेंटेज में हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल प्रेजेंट है और uh, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरीवेटिज़ आर फॉर्म बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और ड्यू टू सम ड्रग्स लाइक नाइट्राइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फानाइट्स ये जो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे करें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरीवेटिव ये कैसे डेवलप होते हैं ये डेवलप होते हैं ड्यू टू सम पॉइजनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है या कुछ ऐसे ड्रग्स हो सकते हैं जैसे कि नाइट्राइडस नाइट्रेट सल्फाना ठीक है ये टाइप के ड्रग्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आ, जो है ये डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन होती है कौन से कौन से डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन सल्फ हीमोग्लोबिन नॉर्मल परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव इन टोटल हीमोग्लोबिन इज दिस मतलब कि बॉडी में यार परफेक्टली तो कुछ नहीं होगा ना अगर हीमोग्लोबिन भी है तो ऐसा तो नहीं है कि हंड्रेड परसेंट सारा नॉर्मली चलेगा थोड़ा बहुत तो जो है दूसरी टाइप या एबनॉर्मेलिटी मिलती ही है कहीं ना कहीं तो कुछ परसेंटेज में ये एबनॉर्मल डेरीवेटिवस भी बॉडी में रहते हैं लेकिन इनका परसेंटेज अगर कम रहता है तब तक तो ठीक है वहीं अगर इनका लेवल हाई होने लग जाए तब फिर ये दिक्कत करते हैं सो so, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन थ्री टू फाइव परसेंट मिलेगा, मिलेगा। मिथेमोग्लोबिन लेस देन थ्री परसेंट और सल्फ हिमोग्लोबिन जो है ट्रेस हो सकता है वो भी uh, मुश्किल है अब नॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव इन ब्लड प्रोड्यूस सीरियस इफेक्ट्स दिस डेरिवेटिव प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन ऑक्सीजन लैक इन टिश्यूज विच मे बी फैटल तो वही है इनका अगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तब दिक्कत करते हैं वरना बहुत स्मॉल अमाउंट में तो ये पाए जाते हैं ये डेरीवेटिव कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन or carbon uh, mono, monoxide hemoglobin is the abnormal hemoglobin derivative formed by the combination of carbon monoxide with hemoglobin carbon monoxide is a colorless and odorless gas uh, since hemoglobin has 200 times more affinity for carbon monoxide than oxygen it hinders the transport of oxygen resulting in tissue hypoxia normally uh, 1 to 3% of uh, hemoglobin is in the form of carboxy हीमोग्लोबिन uh, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट uh, डेरिवेटिव की बात करें तो वो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसका मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टूवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन यानी कि अगर एक जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ बॉन्ड करने जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और वो जो Uh, कह सकते हैं एक एफिनिटी है अगर हम उसका रेंज निकालें तो वो है टू हंड्रेड टाइम्स से ज़्यादा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ जाएगा बॉन्ड करने के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन सो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस ऑडोलेस गैस है बट अगर ये कार्बोक्सीमोगलोबिन बॉडी में बन जाता है तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है सोर्सेस क्या हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के चारकोल बर्निंग कोल माइंस, डीप वेल्स अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एग्जॉस्ट गैसोलीन इंजेंस गैसेस फ्रॉम गन्स एंड अदर वेपन्स हीटिंग सिस्टम विद पुअर और इमप्रॉपर वेंटिलेशन स्मोक फ्रॉम फायर टोबैको स्मोकिंग तो जैसे टोबैको स्मोकिंग हो गया या ऐसी जगहों पे uh, काम करना जहाँ पे कार्बन मोनोआक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे या तो फेस पे मास्क वगैरह कुछ हो या एयर प्योरीफायर वग़ैरह कुछ होए ऐसी कुछ चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए अदरवाइज़ बॉडी में कार्बो uh, जो ये हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी साइन सिम्टम क्या होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के वाइल ब्रीथिंग एयर विद लेस देन वन परसेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड द हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट एंड माइल सिम्टम लाइक हैड एक नोसिया अपीयर क्या होता है कि अगर जो हवा है जो भी अंदर जा रही है पर्सन सांस ले रहा है उस सांस ली गई हवा के अंदर अगर वन परसेंट से भी कम अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगी वन परसेंट से भी कम अमाउंट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो भी हीमोग्लोबिन का उसके साथ बॉन्डिंग करके सेचुरेशन पंद्रह से बीस परसेंट हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है टू हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा है टूवर्ड्स कार्बन मोनोक्साइड और पेशेंट माइल्ड सिम्टम शो करेगा सच एस हेडिक एंड नोसिया वाइल्ड ब्रीथिंग एयर विद मोर देन वन परसेंट अगर एक परसेंट से ज़्यादा अमाउंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का हवा में जो भी पर्सन सांस ले रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ सेचूरेट हो जाएगा थर्टी टू फोर्टी परसेंट और सीवियर सिम्टम जैसे कि कन्वर्जेंस कार्डियो रेस्पारेटरी अरेस्ट अनकॉन्शियसनेस कोमा ये सब अपीयर हो सकते हैं सिर्फ वन परसेंट से ही आने से व्हेन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इंक्रीजेस अबव फिफ्टी परसेंट तब डेथ हो जाएगी इसके बाद नेक्स्ट है मिथेमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन इज द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव फॉर्म्ड व्हेन आयरन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम नॉर्मल फेरस स्टेट टू फेरिक स्टेट जैसे कि हमने पढ़ा था कि आयरन जो है वो एफी टू uh, पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है अगर वो एफ ई थ्री पॉजिटिव यानी कि फेरिक स्टेट में चला जाता है तो दैट इज एब और उस कंडीशन को कहते हैं मिथेमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल फेरी हीमोग्लोबिन नॉर्मली इसका लेवल भी पॉइंट सिक्स से टू पॉइंट फाइव परसेंट रहता है जो कि नॉर्मल है uh, सब में होता है बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसिज ऑल्सो बॉडी फेसिज द थ्रेट ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मिथेमोग्लोबिन बट इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय रिथ्रोसाइड प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव सिस्टम कॉल्ड निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड सिस्टम विच ऑपरेट्स थ्रू टू एंजाइम्स तो इसके अंदर क्या है दो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि कॉन्स्टेंटली इस मिथेमोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा ना हो जाए उसको रोकने के लिए ये दो एंजाइम्स लगातार काम करते रहते हैं इस सिस्टम का नाम दिया है एन ए डी एच सो फर्स्ट है इसमें डाइफोरेज वन Uh, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द 95% फाइव परसेंट ऑफ द एक्शन और दूसरा डाइफोरेस सेकेंड जो कि फाइव परसेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है यही दो एंजाइम्स हैं जो कि uh, रोकते हैं uh, आयरन को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने में ओके सो नेक्स्ट जो है मिथेमोग्लोबीनीमिया ये हम नेक्स्ट uh, वीडियो में पढ़ेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू